नेपाल के तार एयर का विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे। विमान सुबह लापता होने के कुछ ही घंटे बाद मस्टैंग जिले के कुवांग गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सोमवार को नेपाल की सेना दुर्घटना स्थल पर पहुंची और 16 शवों को बाहर निकाला गया था, मगर सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। वहीं इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के रहने वाले 4 लोगों की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार त्रिपाठी और उनके अलग रह रही पत्नी वैभव के मिलन का नेपाल में हुई विमान दुर्घटना के साथ ही दर्दनाक अंत हो गया है, जिसमें दंपति और उनके 2 बच्चों की भी मौत हुई है। ठाणे के कापुर बावड़ी थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उड़ीसा में एक कंपनी चलाने वाले अशोक त्रिपाठी 54 वर्षीय और ठाणे के पड़ोसी शहर मुंबई के BKC में स्थित एक कंपनी में काम करने वाली वैभव अंबेडकर त्रिपाठी 51 वर्षीय अदालत के आदेश के बाद अलग अलग रह रहे थे। वैभवी और उनका बेटा धनुष 22 वर्षीय और बेटी रितिका 15 वर्षीय ठाणे शहर के बालकुम इलाके में रुस्तम जी अतीना अपार्टमेंट में रहते थे। अधिकारी ने कहा है कि वैभव की 80 वर्षीय माँ यहाँ परिवार के घर में बची हुई है, जो एकमात्र सदस्य है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, लिहाजा उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उन्हें विमान दुर्घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। पुलिस ने कहा है कि बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी फिलहाल उनका ध्यान रख रही है। अशोक त्रिपाठी, वैभवी और उनके दोनों बच्चे रविवार को तारा एयरलाइंस के विमान में सवार हुए थे, जिसका मलबा सोमवार को नेपाल के पहाड़ी जिले मुस्तांग में मिला है। विमान में 4 भारतीय, 2 जर्मन, 13 नेपाली नागरिक और चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार रविवार को सुबह पर्यटन शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ये विमान हिमालयी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो अशोक त्रिपाठी, वैभवी बांदेकर, अशोक त्रिपाठी का एज 54 ईयर है और वैभवी बांदेकर 51 है। उनके 2 बच्चे हैं, धनुष 22 साल का है और रितिका ये लड़की 15 साल की है। दोनों लड़के एजुकेशन ले रहे हैं और वैभवी और अशोक ये सेपरेट रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा या कोर्ट के आदेश से, लेकिन उनको 10 दिन साथ में गुजारने का कोर्ट का डायरेक्शंस है। तो वही हिसाब से वो लोग हर साल 10 दिन बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वैसे इस साल वो नेपाल गए थे।